जागरण रोज अब सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। कलिहो पुल ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत एवं नेपाल के मध्य 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। जेपी पंजाब वॉरियर्स ने हॉकी इंडिया लीग खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रूर्बन मिशन का शुभारंभ। अमित मित्रा जीएसटी पर वित्त मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष नामित। न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैककलम ने टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। फॉस्टिन अचार्ज तोदेरा मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त। क्रिस्टिन लगार्ड दूसरी बार IMF की प्रबंध निदेशक नियुक्त। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव के दौरान बर्थ कंपेनियन की उपस्थिति को मंजूरी दी। राजेंद्र सिंह भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष नियुक्त। आर्थिक समीक्षा 2015-16 मुख्य तथ्य। अमेरिकी कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन पर $72 मिलियन का हर्जाना लगाया। ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी हेतु मानेसर में अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा केंद्र का शुभारंभ। भारतीय मूल के नाटककार इस्माइल मोहम्मद फ्रांस सरकार द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित। KN व्यास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त। करंट अफेयर्स विस्तार से। कलिहो पुल ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कलिहो पुल ने अरुणाचल प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा ने कलिहो पुल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कलिहो पुल ह्युलियांग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कलिहो पुल को 18 बागी कांग्रेस विधायकों के साथ भाजपा के 11 विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। भारत एवं नेपाल के मध्य 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत की यात्रा पर आए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और हाईवे बनाए जाएंगे। समझौते के तहत आगामी 2 साल में भारत नेपाल को 80 मेगावाट बिजली देगा। ओली का यह दौरा वर्ष 2011 के बाद किसी नेपाली प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय भारत दौरा था। जेपी पंजाब वॉरियर्स ने हॉकी इंडिया लीग खिताब जीता। जेपी पंजाब वॉरियर्स ने कलिंगा लांसर्स को 6-1 से हराकर खिताब जीता। खिताबी मुकाबले में अरमान कुरैशी, मैट गोल्स और सतबीर सिंह ने पंजाब वॉरियर्स के लिए गोल किए। टीम कलिंगा लांसर्स के लिए एकमात्र गोल कप्तान मोरिज पुत्र सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया। पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ रुपिंदर पाल सिंह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रूर्बन मिशन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले से राष्ट्रीय रूर्बन मिशन का शुभारंभ किया। यह योजना स्मार्ट गांवों का निर्माण करके स्मार्ट शहरों की पहल की पूरक बनेगी। रूर्बन केंद्रों द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में 300 रूर्बन केंद्र शुरू किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अमित मित्रा जीएसटी पर वित्त मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष नामित। अमित मित्रा वर्तमान में पश्चिम बंगाल के वित्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा में खरदा विधानसभा सीट से विधायक हैं। अमित मित्रा पूर्व में फिक्की के महासचिव रह चुके हैं। जीएसटी विधेयक आधिकारिक तौर पर संविधान का 122वां संशोधन विधेयक है। न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैककलम ने टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। मैककलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में यह कीर्तिमान स्थापित किया। मैककलम ने अपना शतक 54 गेंदों में पूरा किया। मैककलम ने 54 गेंदों पर शतक लगाकर विवियन रिचर्ड्स के 30 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। वेस्ट इंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स ने वर्ष 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ 56 गेंदों पर शतक लगाया था। फॉस्टिन अचार्ज तोदेरा मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त।
राष्ट्रपति चुनाव में फॉस्टिन अर्चांज तोदेरा ने 62.71% वोट हासिल किए। तोदेरा वर्ष 2008 से 2013 तक मध्य अफ्रीकी गणराज्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने लिली यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वर्ष 1986 में गणित में डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1989 से 1992 तक वे यूनिवर्सिटी ऑफ बांगुई के उप कुलपति रहे। क्रिस्टीन लगार्ड दूसरी बार आईएमएफ की प्रबंध निदेशक नियुक्त। क्रिस्टीन लगार्ड पेशे से वकील हैं एवं जुलाई 2011 से आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले वह फ्रांस की वित्त मंत्री रह चुकी हैं। वह आईएमएफ की पहली महिला प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2014 में फोर्ब्स ने उन्हें विश्व की पांचवी सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव के दौरान बर्थ कंपेनियन की उपस्थिति को मंजूरी दी। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से बर्थ कंपेनियन की उपस्थिति को मंजूरी दी गई। बर्थ कंपेनियन वे महिलाएं होंगी जिन्हें प्रसव और शिशु जन्म के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त होगा। प्रसव के दौरान महिला के पति भी बर्थ कंपेनियन के रूप में उपस्थित रह सकते हैं। राजेंद्र सिंह भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष नियुक्त। वे गैर नेवी क्षेत्र से इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं। अभी तक तटरक्षक बल के महानिदेशक के पद पर नौसेना के 3-स्टार अधिकारी की ही नियुक्ति होती रही है। वे वाइस एडमिरल एचसीएस बिश्त का स्थान लेंगे। उन्हें नौसेना की पूर्वी कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 मुख्य तथ्य। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 26 फरवरी 2016 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2015-16 पेश किया। आर्थिक समीक्षा 2015-16 में आगामी दो वर्षों में भारत का विकास दर 8% से भी अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था बृहद आर्थिक स्थिरता, गतिशीलता एवं आशा के केंद्र के रूप में उभरी है और आगामी वर्ष में जीडीपी विकास दर 7% से 7.75% तक रहने की उम्मीद। वैश्विक अनिश्चितताओं और कमजोर मॉनसून के बावजूद भारत ने वर्ष 2014-15 में 7.2% और 2015-16 में 7.6% की बढ़ोतरी दर्ज की। अमेरिकी कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन पर $72 मिलियन का हर्जाना लगाया। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसौरी स्थित अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन को जैकलिन फॉक्स के परिवार को $72 मिलियन यानी लगभग 500 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया। अदालत के फैसले के अनुसार कंपनी के बेबी पाउडर एवं शावर टू शावर उत्पाद का प्रयोग करने से जैकलिन को अंडाशय कैंसर हुआ जिससे उसका निधन हो गया। इसमें $10 मिलियन असल नुकसान और $62 मिलियन का हर्जाना राशि है। ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी हेतु मानेसर में अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा केंद्र का शुभारंभ। मानेसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी ICAT में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा परियोजना यानी NATRIP के तहत स्थापित नवीन अत्याधुनिक परीक्षण सेवाओं की शुरुआत की गई। ICT में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार की पहल का हिस्सा है। NATRIP ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 के विजन के तहत स्थापित की गई है। भारतीय मूल के नाटककार इस्माइल मोहम्मद फ्रांस सरकार द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित। आजीवन साहित्य और कला को बढ़ावा देने के कारण दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में फ्रांस के राजदूत एलियास बेट बारबियर ने इस्माइल को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर की उपाधि प्रदान की। सतत उच्च सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग के लिए मोहम्मद को अफ्रीका के अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा मेरिट ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दक्षिणी अफ्रीका प्रांत मपुमलंगा में एक आर्थिक उद्यम के रूप में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1999 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
केएन व्यास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त। उन्होंने डॉक्टर शेखर बासु के स्थान पर यह पद ग्रहण किया है। बासु केंद्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग में सचिव पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बार प्रशिक्षण स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीजन के ईंधन डिजाइन और विकास विभाग में कार्य करना आरंभ किया। वे फ्रांस में टेस्ट ब्लैंकेट मॉड्यूल के डिजाइन एवं शोध में भी भूमिका निभा चुके हैं। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।